गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका सत्य केतु इस ऑनलाइन लाइव क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। हम लोग जो ऐप पे निःशुल्क टेस्ट पेपर डाले हुए हैं उनका सॉल्यूशन करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज टेस्ट संख्या 8, 8वां टेस्ट पेपर जो है उसको हल करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन है, राधा जो है किसी काम को 18 दिन में करती है, सरिता राधा से 3 गुना तेजी से काम करती है। पहले नाम किसका दे रखा है? सरिता का। सरिता राधा से 3 गुना तेजी से काम करती। याद रखें, जिसका नाम पहले होता है उसी की बाकी में चर्चा चलती है। तो इस पॉइंट को समझो, राधा कर रही है 18 दिन में। अब क्या कह रही है? कह रहे हैं कि सरिता 3 गुना तेज काम करती। सरिता 3 गुना तेज काम करती। सरिता 3 गुना तेज काम करती है, ठीक है। अब अगर सरिता 3 गुना तेज काम करती है तो समय 3 गुना कम लेगी, ये याद रखना। भाई जो आदमी काम डबल करता है तो दिन आधे लेगा, जो काम 3 गुना करता है, 3 व्यक्तियों जितना करता है, तो वो समय भी तो 3 गुना कम लेगा। तो सरिता के समय कितना होगा? 18/3। अगर 4 गुना होता तो 4 का भाग देते, क्योंकि जितना गुना ज्यादा काम करेगा समय उतना गुना क्या लेगा? कम लेगा। राधा 18 दिन में करती है, सरिता 3 गुना तेज काम करती है, तो सरिता की 18/3 कितने दिन लेंगे? 6 दिन। तो राधा प्लस सरिता का 1 दिन का कार्य बराबर कितना हो जाएगा? राधा का है 1/18 प्लस सरिता का है 1/6। लसप लिया 18 और 6 का 18 18 को इसमें एक बार एक को एक से किया, 1/6 का 18 में 3 बार 3 को 1 से किया, 4/18 काटा इसको 2/9 भाग। ये 1 दिन का कार्य है, तो कुल समय इसका उल्टा होगा। कुल समय क्या हो जाएगा? 9/2 अर्थात 4.5 दिन, ठीक है। तो 3 गुना तो समय 3 गुना कम लेगा, तो 3 का भाग, 4 गुना तो समय 4 गुना कम, 4 का भाग। ऐसे प्रायिकता का सवाल है, आसान लेकिन अच्छा सवाल है, आता है कभी कभी प्रायिकता के सवाल भी। कह रहा ताश की एक गड्डी में से यादृच्छा, यादृच्छा मतलब बिना रुक्ष्टी खाए, ठीक है, मारवाड़ी में कौन है, रुक्ति नहीं खाओ, यादृच्छा, ठीक है, बिना चीटिंग अगर एक पत्ता निकालें तो उसके लाल रंग का इक्का होने की। यहां एक चीज ध्यान देना बेटा, लाल रंग जो कहते हैं हम बोलचाल में, जिसको लाल कहते हैं उसको पान कहा जाता है हिंदी की भाषा, मतलब हिंदी में। और लाल रंग का मतलब ईंट भी तो लाल रंग की हुई ना, ये ध्यान देना। हम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? लाल जिसको कहते हैं उसको हिंदी में जो है पान कहा जाता है। लाल रंग का मतलब पान भी तो लाल कलर में होता है, और ईंट का पत्ता भी कैसा होता है? लाल कलर में। ये ध्यान दें। तो इक्के कितने? एक तो पान का हुआ, एक इक्का ईंट का हुआ, तो 2/52 काटा इसको 1/26। उसी प्रकार एक चीज याद रखें, हम जिसको काला रंग कहते हैं, काले को ये क्या कहा जाता है हिंदी में? हुक्म और चिड़िया। काले का मतलब है हुक्म, हुक्म भी काली होती है काले रंग की, चिड़िया भी काले रंग की होती है, ये ध्यान देना। हम जिसको लाल कहते हैं उसको पान कहा जाता है, हम जिसको काली कहते हैं उसको हुक्म कहा जाता है। श्री धराचार्य सूत्र, ये सूत्र मैंने बताया पहले कई बार, ये सूत्र सीधा पूछा है, ठीक है ना। सीधा सूत्र याद रखें, -b+-, ये सूत्र कई बार सीधा पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको सीधा रट लें भैया, कंठस्थ कर लें। -b+√b²-4ac/2a, ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा घातांक एवं करणी का। सबसे पहले तो हमें चीज पता होनी चाहिए, सर्वप्रथम हम क्या हल करते हैं? भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। अगर एक से ज्यादा चिन्ह दिए होते हैं तो हमेशा हम ये क्रम लगाते हैं, भाग, गुणा, जोड़ और बाकी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले भाग हल करते हैं, बाकी वैसे वैसे 5 का 5, दोनों 5 का 5 का चिन्ह प्लस का, ये चिन्ह नहीं दिया तो प्लस का ही है, दोनों प्लस प्लस है, गुणा या भाग में समान चिन्ह होता है, प्लस आता है प्लस। 5 का 5 भाग में घाते कट जाएगी, 5 - 3, -2 की घात 3 है ये, +4 है ये,
पांच का पांच प्लस पांच की घात पांच में से तीन गया दो माइनस दो की घात तीन प्लस चार, पांच का पांच प्लस पांच की घात दो पांच दूनी पच्चीस माइनस दो की घात तीन दो दूनी चार चार दूनी आठ प्लस चार, पच्चीस पांच तीस तीस और चार चौतीस माइनस आठ, उत्तर कितना आ गया भैया छब्बीस 26। चिन्ह का थोड़ा ध्यान दें, और सर्वप्रथम भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर बाकी। और इसमें एक चीज और याद रखें, किसी भी संख्या की घात अगर जीरो है तो मान एक आता है, यह भी ध्यान देना है। यह तो आसान सा प्रश्न है भैया, हमें जोड़ बाकी पूछी दशमलव संख्याओं की, तो हम पहले क्या कर देंगे, दोनों जो प्लस वाली संख्या उनको जोड़ देंगे, उसमें से माइनस वाली संख्या घटा देंगे। तो पहले जोड़ लेते हैं प्लस वाली संख्या, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेते हैं, अंक के नीचे अंक लेते हैं, बस 19.83 एक एक अंक पढ़ते हैं, 19.83 नहीं पढ़ते, 19.83 है, इसमें जोड़ना है तो ये 12, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना, फिर इधर पहले के नीचे पहला अंक दूसरे के नीचे दूसरा अंक, ऐसे इधर 9 ये 0। अब जोड़ देते हैं इनको, 3 और 0 3 8 और 9 17 और 7 पॉइंट तो है ही, लगी 9 10 10 दोबारा भी लगी है 3, यह आ गया 32.73, इसमें से घटाना है पॉइंट से पॉइंट, इधर 7 इधर 4 8 3, खाली जगह वहां 0 लगा दो, यहां 0 लगाया यहां 0 लगा दिया, अब इसको घटाना है घटा दो, पॉइंट से पॉइंट ले लो और वही साधारण बाकी कर लो, 10 में 7 गया 3 उधर दिया 12, 12 में 8 गया 4 दिया 6, 6 में से 4 गया 2, 12 में 7 गया 5, 25.247 ठीक है। कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड बेटा शाबाश। तो पहले दोनों को जोड़ दिया फिर इसमें से घटा दिया, अभी प्रश्न लसम मसब का प्रश्न है। मैंने आप लोगों को एक चीज बता रखी, मैं वापिस बोल देता हूं, छोटी से छोटी शब्द आता है अगर प्रश्न में तो हमें बिना सोचे समझे क्या निकालना है उसका सीधा ही लसप ज्ञात करना है, और अगर प्रश्न में आता है बड़ी से बड़ी तो हमें क्या निकालना है मसप। छोटी से छोटी कहता है तो लसप निकालना है बच्चों, और अगर बड़ी से बड़ी कहता है तो हम मसप ज्ञात करेंगे ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, छोटी से छोटी तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इनका लसप, ठीक है भैया लसप निकालना है 24 36 और 40 तीनों को एक साथ लिख दिया कॉमा लगा के, संक्षिप्त विधि से हम लसप निकालते हैं, सबसे छोटी संख्या भाग देना दो का, एक भी संख्या हम भाग जाता है भाग दे देना है, जिसमें नहीं जाता उसको वैसे वैसे नहीं चलता, दो का भाग दिया 24 में 12 36 में दिया 18 20 40 में दिया, दो का भाग दिया 6 9 10 दो का भाग दिया 3 9 में नहीं गया वैसे वैसे 10 में गया 5 3 का दिया 1 3 5 3 का दिया 1 1 5 5 का दिया 1 1 लसप कितना आ जाएगा इन सबका गुणा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 दो दून 4 4 दून 8 8 दून 24 24 दिया 72 72 इंटू 5 360 ठीक है। लसप तो 360 आ गया, लेकिन क्या भाग पूरा पूरा जाना हम कह रहा है या शेष 7 बचने का कह रहा है, शेष 7 बचने का कह रहा है तो वह संख्या क्या होगी, जो शेष बचने का कहता है वो लसप में जोड़ दो 360 प्लस 7 उत्तर आपका निकल के कितना आ जाएगा 367 शेष जब बचने का कह रहा है। वेरी गुड, खूब सारे बच्चे आंसर देने बेटा शाबाश बधाई के पात्र। भैया याद रखें, छोटी छोटी शब्द दिया होता है लसप निकालना है, बड़ी से बड़ी शब्द दिया तो मसप निकालना, ये तो रट लें, तीन संख्याएं दी इनका लसप है, छोटी छोटी का लसप निकाल दिया, शेष 7 बचने कह रहा है, शेष 7 बचने कह रहा है लसप में 7 जोड़ दो, 5 बचने कह रहा है 5 जोड़ दो, 3 बचने कह रहा है 3 जोड़ दो ठीक है। प्रश्न है 160 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग में क्या होता है, सभी संख्याएं कितने के जोड़े में होती, दो दो के जोड़े में, घन में होती तीन तीन के जोड़े में, वर्ग में होती दो दो के जोड़े में,
पहले अभाज्य गुणनखंड कर लो, दो का भाग दिया 80, दो का भाग दिया 40, दो का भाग दिया 20, दो का भाग दिया 10, दो का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 1, गुणा लिख दो इसका क्या आता है अभाज्य गुणनखंड, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5, दो कितनी बार, 5 बार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आ पाए, ये आ गया। अब वर्गमूल है तो दो दो के जोड़े, दो दो का जोड़ा, दो दो का जोड़ा बन गया भैया, ये दो का जोड़ा नहीं तो एक तो इस दो से गुणा करना पड़ेगा तभी दो का जोड़ा बनेगा, वर्गमूल में दो दो का जोड़ा बनाना है, इस दो से गुणा किया, और ये पांच का जोड़ा नहीं, पांच से गुणा करना पड़ेगा, तो टोटल 2 × 5 किस से गुणा करना पड़ेगा, 10 से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बनेगा भैया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, वर्ग में दो दो का जोड़ा बनाते हैं, घन है तो तीन तीन का जोड़ा बनाते हैं भैया, आसान लेकिन अच्छा प्रश्न है, प्रतिशत का प्रश्न है प्यारे बच्चों, कह रहा 24 मिनट जो है 2 घंटे का कितना प्रतिशत है, बताएं इसका आंसर, ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है भैया, कह रहा 24 मिनट जो है 2 घंटे का कितना मिनट है, 24 मिनट है ये, अब ये घंटे में इसको मिनट बदलो, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 2 घंटे में कितने होंगे 2 × 60 120 मिनट। अब प्रतिशत निकालना है तो 24/120 बड़ी संख्या में से नीचे आती 24 मिनट, ठीक है 24/ कुल कितना 120, प्रतिशत बदलना है 100, प्रतिशत बदलने के सदैव 100 से गुणा करते हैं, ठीक है, अब 0 से 0 कटा, 12 भाग 24 में दिया 2 बार, 2 × 10 कितना परसेंट आ गया 20%, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं भैया, अच्छा प्रश्न, थोड़ा बड़ा प्रश्न है लेकिन है आसान, ठीक है, इसमें एक सूत्र लगेगा बच्चों औसत का, वो सूत्र याद रखें, औसत बराबर राशियों का योग बटे, सॉरी अपना जो राशियों का योग है, सूत्र कौन सा लगेगा बच्चों, राशियों का योग बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, औसत इंटू राशियों की संख्या, राशियों का योग बराबर क्या होता है भैया, औसत इंटू राशियों की संख्या, राशियों का योग बराबर होता है औसत इंटू राशियों की संख्या, ठीक है, अब ध्यान दे, कह रहा एक फैक्ट्री में 25 व्यक्ति काम करते हैं, इनमें से 15 व्यक्तियों का औसत वेतन 2000 है, तो 15 व्यक्तियों का औसत वेतन 2000 है तो 15 व्यक्तियों का कुल वेतन, राशियों का योग क्या होगा, औसत कितना है 2000, व्यक्तियों की संख्या राशियों की संख्या 15 × 15 = 2000 कितना हो गया 30000, अब कह रहा है शेष व्यक्तियों का औसत वेतन 3000, शेष व्यक्ति कितने हो गए, टोटल 25 व्यक्ति काम करते हैं, 15 का औसत दे दिया, शेष मतलब कितने हो गए 10 व्यक्ति, तो 10 व्यक्ति शेष कितने होंगे, 25 − 15 10 व्यक्ति का कुल वेतन कितना होगा, औसत है 3000 × राशि संख्या 10 कितना हो गया 30000, ठीक है, तो कह रहे फैक्ट्री सभी मजदूरों का, तो सभी 25 मजदूरों का औसत वेतन कितना हो जाएगा बच्चों, कि कुल वेतन कितना है 60000 + 60000, शुरुआती 15 व्यक्तियों का 60000 वेतन है और शेष 10 व्यक्तियों का वेतन, सॉरी 30000 + 30000, शुरुआती का 30000 है और अंतिम का भी 30000 है, बटा राशियों की संख्या 15 व्यक्ति प्लस 10, 60000 / 25, 25 का भाग दिया 25 × 50 लार दिया 10 लिख दिया बेटा, 25 का भाग जो है 100 में गया 4 बार, पीछे 2 0, 2400 रुपये आपका औसत वेतन आ गया प्यारे बच्चों, तो आसान है, क्या सूत्र लगा, राशियों के योग बराबर औसत इंटू राशियों की संख्या, वेरी गुड, खूब सारे बच्चों ने आंसर दिया है, कुछ नहीं सूत्र वही राशियों के बराबर औसत इंटू राशियों की संख्या, तो 15 व्यक्तियों का औसत वेतन 2000, कुल वेतन 2000 × 15 = 30000 आया, 10 शेष व्यक्ति, टोटल 25 में से 15 दे दिए, शेष व्यक्ति कितने हैं 10, तो 10 व्यक्तियों का कुल वेतन 3000 × 10 = 30000, तो सभी 25 का
औसत वेतन क्या होगा, कुल वेतन 30 + 30 / 15 + 10। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं बुद्धिजीवियों। कह रहा किस दर से, दर पूछा हमें 12,000 रुपए मूलधन 12,000, 5 वर्ष में समय 5 वर्ष दिया, 15,600 रुपए हो जाएंगे। याद रखें हो जाएगी वाली राशि सदैव क्या होती है बेटा, मिश्रधन, मूलधन प्लस ब्याज। तो यहां ध्यान दीजिएगा, मूलधन हमें दिया 12,000, मिश्रधन प्यारे बच्चों हमें दिया 15,600, तो ब्याज क्या होता है बच्चों, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन है 15,600 माइनस मूलधन है 12,000, घटाया ब्याज कितने रुपए आ गया 3600। भाई मूलधन है 1200, मिश्रधन है 15,600, तो ब्याज कितना आया बच्चों 3600। समय कितने वर्ष दिया है 5 वर्ष। पूछ क्या रहा है दर, तो सूत्र में रख लें आप, साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। साधारण ब्याज कितना लिख देंगे 3600 बराबर मूलधन 12,000 इंटू दर ज्ञात करनी एक्स इंटू समय 5 / 100। ले जाओ सबको उधर, या दो जीरो काट लो, ले जाओ उसको 360, ये 5 सॉरी 3600 बटा ये 120, और जो 5 गुणा में भाग में आ जाएगी इधर केवल एक्स, 0 0 काटा 12 भाग दिए इसमें 3 0 30, 30 में 5 का भाग दिया 6, दर कितने परसेंट आ गई भैया 6%। ठीक है, तो हमें मूलधन दिया था और मिश्रधन दिया था, तो ब्याज, ब्याज ने क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन किया, तो ये आ गया हमें साधारण ब्याज का सूत्र जो है उसमें भैया साधारण ब्याज 36 रख दिया, मूलधन की जगह 12,000, दर ज्ञात करनी x समय 5, हो जाएगी वाली राशि क्या होती मिश्रधन, ये भी ध्यान रखें बेटा, आसान लेकिन अच्छा प्रश्न था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है। चलिए ये तो घात का प्रश्न है, आसान प्रश्न है, लेकिन इसमें सुनो चिन्ह का कई बार दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ध्यान दें इस सवाल में, ध्यान दें यहां जो सुनो, आधार अगर ऋणात्मक हो, यहां क्या ऋणात्मक है बच्चों, आधार देखो घात ऋणात्मक है तो भी अलग है, मैं इस पर घात वाला सवाल भी समझा दूंगा इसी में, ये आधार ऋणात्मक है, ऊपर वाली संख्या घात है, घात में संख्या कितनी है 5, आधार कितना है -2। जब आधार ऋणात्मक हो तो जो चिन्ह है, अगर घात जो है तो हम घात देखते हैं, घात अगर सम संख्या है तब तो चिन्ह आता है प्लस का, घात अगर विषम संख्या है तो चिन्ह किसका आता है माइनस का, ये पॉइंट ध्यान रखें। तो भैया पहले तो क्या करो, पॉइंटों को भूल जाओ, सॉरी चिन्ह को भूल जाओ, प्लस माइनस को, केवल 2 की घात 5 है भाई, 2 की घात 5 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 2 की घात 5 मतलब 2 को कितनी बार गुणा करो, 1 2 3 4 5, 2 × 4 4 × 8 8 × 16 16 × 32, पहले तो सीधा 32 लिख दो। अब घात कितनी है 5 है, घात अपने 5 है, 5 में 2 का भाग नहीं जाता है, ये विषम है, तो फिर चिन्ह किसका ले लो माइनस का। तो पहले क्या करो, माइनस अगर आधार ऋणात्मक है, नीचे वाली संख्या घात नहीं आधार, ये नीचे वाली संख्या आधार, आधार ऋणात्मक है, आधार ऋणात्मक है तो पहले संख्याओं को लेकर गुणा करके लिख दो, -2 की घात 5, पहले 2 की घात 5 लिया, 2 × 2 × 2 5 बार गुणा किया 32 आया, 32 लिख दिया। अब घात 5 है, घात 5 है तो क्या हुआ, विषम है, 2 का भाग नहीं जाता 5 में, तो चिन्ह किसका लेंगे माइनस का, तो माइनस लगा दिया, ये आपका उत्तर -32। और अगर सुनो ऐसा होता है 2 की घात -5, ये भी ध्यान दें, अगर होता 2 की घात -5, यहां आधार में माइनस नहीं, यहां घात ऋणात्मक है, यहां घात माइनस की, तो क्या करते हैं इस स्थिति में कि ये अंश में है, इसको हर में लाते हैं, तो घात का चिन्ह किसका होगा बच्चों, प्लस का। भाई ऊपर चिन्ह माइनस का है, नीचे लाओगे तो प्लस का, ऊपर से नीचे लाओ चाहे नीचे से ऊपर ले जाओ, चिन्ह चेंज होता है, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस, 1/2 गुणा करोगे 1/32, तो वहां देख लो इसमें इसमें फर्क है, आधार ऋणात्मक होता है तो इसको ऐसे हल करते हैं, घात ऋणात्मक होता है इसको ऐसे हल करते हैं, दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा बेटा। ठीक है, आसान लेकिन कंसेप्चुअल प्रश्न था।
चलिए, अनुपात का प्रश्न है, आसान और अच्छा सवाल है, आता है अक्सर अनुपात का एक सवाल। बिल्कुल आसान प्रश्न है बेटा, बिल्कुल ही आसान प्रश्न। करें, विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात है 3:2। यदि लड़कों की संख्या 600 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान दें, लड़के अनुपात लड़कियां कितना दे रखा है, 3:2। अनुपात को बट्टे में लिख सकते हैं, लड़के बटा लड़कियां बराबर कितना लिख देंगे, 3/2। लड़कों की संख्या 600, लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी, x बराबर 3/2। दो भिन्न संख्याएं बराबर होती तो वज्र गुणा करते हैं, तिरछा गुणा, x इंटू 3 बराबर 600 × 2, x बराबर 600 × 2/3, x बराबर 3 का वर्ग दिया इसमें 200, x आ गया 400। ठीक है, चलिए, तो आसान प्रश्न था, अनुपात को बटे में लिख दिया और बराबर कर दिया, और दो भिन्न संख्या बराबर होते वज्र गुणा करते हैं। अगला प्रश्न है भैया, एक घनाकार कमरे का, घन है, इसका क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हमें सूत्र याद होने चाहिए। मैं आपसे रोज गुजारिश करता हूं कि 4 से 5 सवाल सूत्रों पर आधारित आएंगे, अगर वो सूत्र याद नहीं है तो वो सवाल हमसे सही नहीं होंगे बच्चों, ये आप जरूर ध्यान दें, सूत्र जरूर रटें। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया करें, उस पे सूत्र में डेली भेज रहा हूं, वो जो 70-80-100 सूत्र है वो जरूर रटें। अब घन है, घन का कह रहा क्षेत्रफल, ये तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया का सूत्र क्या होता है, 6a² बराबर लिख देंगे 96। जो चीज दे रखी होती है, क्षेत्रफल दिया है चाहे आयतन दिया है, जो चीज दे रखी उसको उसके सूत्र के बराबर में लिखना है। जो चीज प्यारे बच्चों हमें देर की होती है उसको उसके सूत्र के बराबर में लिख देना है। तो 6a² = 96, a² = 96/6, a² = 1, फिर 3, 6a² = 16, a आ गया रूट 16 मतलब 4 फिट, भुजा आ गई 4 फिट। अब इसमें यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, कह रहा अधिकतम कितनी लंबी छड़, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती प्यारे बच्चों, विकर्ण, याद रखें ये पॉइंट, अधिकतम लंबी छड़ कह रहा है तो अधिकतम लंबी भुजा कौन सी होती है, विकर्ण। किसी भी ज्यामिति आकृति में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है बच्चों, विकर्ण, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, विकर्ण। तो विकर्ण का सूत्र क्या है बच्चों, अगर भुजा a है तो a√3, भुजा 4 है तो 4√3, और भुजा विकर्ण चूंकि भुजा ही है तो फिट में ही आएगा, वर्ग फिट वगैरह नहीं आएगा, तो विकर्ण कितना आ गया 4√3, अर्थात सबसे लंबी भुजा या सबसे बड़ी जो रॉड है छड़ है वो क्या कितनी लंबाई की होगी, 4√3 फिट की। अच्छा प्रश्न है, बहुत मतलब आज का जो टेस्ट पेपर है आसान है लेकिन कंसेप्चुअल है, जिसने पढ़ा हुआ है सारा, जिसको समझ में आ रखा है वो ही इसको कर सकता है। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं भैया, इसमें ऑप्शन में भी कई चीजें दे सकता है लेकिन फिर भी आप सेक थीटा किसका उल्टा होता है, यहां सीधा पूछा है सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए भैया, ठीक है, कई बार बताएं, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो सेक को लिख सकते हो 1/cos, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये ज्यामिति आकृति, इसमें x का मान निकालना, ये भी ऐसे सवाल भी हमने कई बार किए हैं। एक सरल रेखा पे बनने वाले कोणों की योग कितना होता है, 180, ये कितना दे रखा है 2x, ये कितना दिया है 3x, ये कितना दिया 4x, तो भैया तीनों कोणों की योग 2x + 3x + 4x बराबर हम कितने लिख देंगे बच्चों, 180, जोड़ दिया 9x = 180, x = 180/9, x कितने डिग्री आ गया 20 डिग्री, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे, अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला है BDH, ध्यान दें, B मतलब कितना होता है 2, D मतलब 4, H मतलब 8, तो क्या हो रहा है भैया, डबल हो रहा है हर बार, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो 8 × 2 कितना हो जाएगा 16 मतलब क्या आएगा भैया, P, ये आंसर है, डबल कर रहा है। सत्रहवां सवाल,
ये घन संख्या प्लस एक कर रहा है, पांच की घन संख्या 125 प्लस एक, ये देख लो चार की घन संख्या 64 प्लस एक, ये देख लें तीन की घन संख्या प्लस एक 27 प्लस एक, ये दो की घन संख्या 8 प्लस एक 9, ये एक की घन संख्या 1 प्लस एक। तो आगे हम क्या करेंगे, छह की घन संख्या प्लस एक, छह की घन संख्या 216 प्लस एक 217, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है यदि 12:30 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा में है, भाई देखो मोटे मोटे क्या होगा, ये 12 6 3 ये 9, 12:30 बजे क्या होगा बच्चों, घंटे की सुई लगभग थोड़ी इधर होगी लेकिन लगभग यहां होगी, और मिनट की सुई जो है वो यहां, घंटे वाली सुई थोड़ी छोटी है ऐसे लग, हालांकि 12 से थोड़ी इधर होगी लेकिन अभी ऊपर ही मान लिया, लगभग स्थिति ये होगी, थोड़ा सा यहां से ये थोड़ा टेढ़ा होगा लेकिन लगभग यही होगा। ये कह रहा उत्तर दिशा में है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, दक्षिण में। आप ये दिमाग नहीं लगाना है कि ये थोड़ा इधर है, उत्तर से इधर है तो उत्तर पूर्व में है तो ये दक्षिण में, इतना नहीं। अगर वो ऑप्शन देता है तो ठीक है, बाकी जनरली ये कह रहा है ये उत्तर में, दिशा कौन सी होगी आपके, दक्षिण। चलिए नेक्स्ट सवाल, मिसिंग नंबर लूप संख्या का प्रश्न है, हमें पहचानना है कि भाई इसमें क्या कर रहा है। सुनिएगा, यहां तो ये आसान है, वर्ग संख्या ले रहे हैं भैया, 7 की वर्ग संख्या 49, 2 की वर्ग संख्या 4, 4 की वर्ग संख्या 16, तो 5 की वर्ग संख्या उत्तर कितना आएगा 25, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल, रक्षाबंध का प्रश्न है, आज के टेस्ट पेपर का और आज की क्लास का लास्ट सवाल है बच्चों। कह रहा हर्ष की माता तुलसी है, भाई हर्ष, हर्ष की मां कौन है, तुलसी, ठीक है। हर्ष और करण सहोदर है, सहोदर मतलब सगे भाई है, सगे भाई है या भाई लिख दो भाई, हर्ष और करण मैंने लिख दिया, ये हर्ष ये करण, ये सगे भाई है। अब ये हर्ष की माँ तुलसी है तो करण की माँ भी कौन होगी, तुलसी होगी, अगर सगे भाई है तो दोनों की माँ एक ही होगी। तो बताएं कि करण तुलसी से किस प्रकार संबंधित, यहां पहले नाम किसका दिया है, करण का, करण तुलसी से किस प्रकार संबंधित है, तो करण तुलसी का पुत्र है, ये आंसर आएगा। यहां देखो हम लोग अक्सर ये तो पता कर लेते हैं कि रिश्ता कौन सा है मां बेटे का, लेकिन यहां यह पूछा है कि करण का तुलसी से क्या संबंधित, पहले नाम किसका दिया करण का, तो करण पुत्र है, लेकिन कहता तुलसी का करण से क्या संबंध है तो हम माता कहते हैं, यह भी ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आज का टेस्ट पेपर थोड़ा आसान था, अच्छा था, इसको हल कर लिया, सूत्र रटें, सवालों को करें, ठीक है, धन्यवाद।